हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं वाशर के बारे में बताने वाला हूँ, नट बोल्ट के साथ जो वाशर लगता है। तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरी के वाशर हैं, और वाशर को किस तरीके से और कहाँ पे लगाया जाता है, कौन सा वाशर किस जगह यूज करना चाहिए और किस जगह कौन सा काम करेगा, कौन सा किस जगह के लिए बेस्ट होगा, यानी किस तरीके से अच्छा काम करेगा और अच्छे तरीके से पकड़ बनाएगा, मैं दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो वाशर हैं। तो आप ज़्यादातर इस वाशर को ज़्यादा देखते होंगे जो सिंपल है, इससे एकदम गोल है और बीच में कटा हुआ है। इस वाशर को नट बोल्ट में लगा के कसा जाता है। इस वाशर का क्या काम है? और एक हमारे पास दूसरा वाशर यहाँ बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ कट लगा हुआ है, ये थोड़ा सा कटा हुआ होता है और कुछ इसी प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ कट होता है और यह थोड़ा सा डिसबैलेंस भी होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यह फ्रेश है और इस साइड फ्रेश नहीं है, ये देख सकते हैं कि ऊपर नीचे है। तो यह ऐसा क्यों बनाया गया है और जो है कि किस वजह से बनाया गया है और इन दोनों में क्या अंतर है, किन जगहों पर यह लगता है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यह जो गोल और फ्रेश वाशर है तो इसको जैसे मेन बॉडी पार्ट ना कटे, जिस चीज़ में हम कस रहे हैं वो घिसे ना कटे ना, इस वजह से इस वाले वाशर को हम लोग वहाँ लगा देते हैं कि जो मेन हमारा बॉडी है वो बोल्ट को कसने पे घिसे ना। ये वाशर लगने से यही फायदा होता है, और वाशर लगने से थोड़ा अगर बोल्ट बड़ा है तो वाशर लगने से उसका स्पेस घट जाता है, छोटा हो जाता है। और इस वाले वाशर को, ये जो कट का वाशर है, इसको कहाँ लगाया जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये कट वाला वाशर जो है वह इसलिए लगाया जाता है ताकि यह जो है कि इसमें जो ये स्पंज बना होता है यह नट बोल्ट को टाइट करता है, मतलब किए रखता है, यानी ढीला नहीं होने देता है, और इसके दबाव से नट बोल्ट एकदम टाइट होता है। और आप देख सकते हैं कि यह घड़ी की दिशा में यह कटा हुआ है, तो जब आप बोल्ट को यहाँ इस पे कसेंगे घड़ी की दिशा में तो यह कसता जाएगा, यानी इधर से बोल्ट इधर को घूम जाएगा और अपने से वह, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ हल्का घाट है, तो अपने से वह बोल्ट घूम के, मतलब खुल के, अपने से ढीला नहीं हो सकता जो है कि खुलकर, और यह आके बोल्ट यहाँ फंस जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आके यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आके यहाँ बोल्ट फंस जाएगा। तो बोल्ट इसके दबाव से टाइट रहता है, इसीलिए टाइट करने के जगह इस वाशर को कट वाले वाशर को लगाते हैं। और जहाँ बॉडी पार्ट घिसे ना, जहाँ जो है कि बॉडी की सुरक्षा करनी है या जिस भी चीज़ में कस रहे हैं उसको सुरक्षित करना है तो इस वाशर को लगाते हैं, और टाइट करने के लिए इस वाशर को लगाते हैं। तो अगर आप वाशर के बारे में जान रहे थे तो अच्छा है, अगर नहीं जान रहे थे तो आज जान लीजिए। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।